हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए वीकली करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। जिन फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य के CM ने उन लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे हुए हैं? ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपको आंसर बता दें, आंसर ए झारखंड। आपको याद रखना है किस राज्य के CM ने उन लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे हुए हैं? कहाँ? झारखंड। किसने किया? झारखंड ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो, अमेरिका में बीमारी का मुकाबला करने के लिए व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है? ए माइक होंडा, बी रोखन्ना, सी मार्क पोलक, डी फैज साखिर। आपको आंसर बता दें, आंसर बी रोखन्ना। आपको याद रखना है अमेरिका में बीमारी का मुकाबला करने के लिए व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है? रोखन्ना को। किसे किया गया? रोखन्ना को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न में से कौन अप्रैल 2020 में कोचों के लिए 21 दिवसीय लंबी ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित कर रहा है? ए भारतीय खेल प्राधिकरण, बी भारतीय खेल संघ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर सी ए और बी दोनों। आपको याद रखना है निम्न में से कौन अप्रैल 2020 में कोचों के लिए 21 दिवसीय लंबी ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित कर रहा है? खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय खेल संघ। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर है? ए विनीसियस, बी फिक्की, सी बिग डेवन, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर बी फिक्की। आपको याद रखना है कौन चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर है? फिक्की। कौन है? फिक्की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँच, अप्रैल 2020 में RBI ने रिवर्स रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती करके उसको 3.75% किया है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 25। आपको याद रखना है RBI ने रिवर्स रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती करके उसको 3.75% किया है? 25%। कितने किया है? 25 अंकों की कटौती। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छः, किस राज्य ने PM गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है और अब नई ऊंचाई पर पहुंच गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी असम। आपको आंसर बता दें, आंसर ए उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है किस राज्य ने PM कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण रिकॉर्ड बनाया है और अब नई ऊंचाई पर पहुंच गया है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सात, अब्बा क्यारी का COVID-19 से निधन हो गया है, वो किस देश के थे? ए पाकिस्तान, बी नाइजीरिया, सी ईरान, डी ओमान। आपको आंसर बता दें, आंसर बी नाइजीरिया। आपको याद रखना अब्बा क्यारी का निधन हो गया है अब्बा क्यारी का कोविड 19 से निधन हो गया, वो किस देश के थे? नाइजीरिया। किस देश के? नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर आठ, ITTF द्वारा जारी नवीनतम वरिष्ठ पुरुषों की रैंकिंग के अनुसार अचंता शरत कमल की क्या रैंक है? ए 10, बी 15, सी 25, डी 31। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 31। आपको याद रखना है ITTF द्वारा नवीनतम वरिष्ठ पुरुषों की रैंकिंग के अनुसार अचंता शरत कमल की क्या रैंक है? 31। क्या रैंक है? 31। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नौ, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक किताब के लेखक कौन है? ए कृष्णा स्वामी, बी अनीता देसाई, सी विक्रम चंद्रा, डी अरविंद कुमार। आपको आंसर बता दें, आंसर ए कृष्णा स्वामी। आपको याद रखना है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा स्वामी। कौन है? कृष्णा स्वामी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 के मामले में कितने लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा? ए 5, बी 7, सी 10, डी 12। आपको आंसर बता दें, आंसर सी 10। आपको याद रखना है, ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 में के मामले में कितने लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा? 10 लाख रुपए का। कितने? 10 लाख रुपए का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 2 साल की अवधि के लिए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के स्थायी निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? ए ग्रीम स्मिथ, बी हासिम अमला, सी जैक कैलिस, डी मार्क बाउचर। आपको आंसर बता दें, आंसर ए ग्रीम स्मिथ। आपको याद रखना, 2 साल की अवधि के लिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ग्रीम स्मिथ को। किसे किया गया? ग्रीम स्मिथ को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में पिछले 45 दिनों के दौरान पहुंचे 5 लाख विस्थापित मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। आपको आंसर बता दें, आंसर ए उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना, किस राज्य में पिछले 45 दिनों के दौरान 5 लाख विस्थापित मजदूरों को रोजगार देने की एक समिति का गठन किया है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? ए यस बैंक, बी HDFC बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी ICICI बैंक। आपको आंसर बता दें, आंसर डी ICICI बैंक ने। आपको याद रखना, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? ICICI बैंक ने। किसने किया? ICICI बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा विश्व स्तर पर किसी भी कॉरपोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है? ए मिशन अन्ना सेवा, बी मिशन भोजन, सी मिशन अन्नदाता, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर ए मिशन अन्ना सेवा। आपको याद रखना है, निम्न में से कौन विश्व स्तर पर किसी भी कॉरपोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है? मिशन अन्ना सेवा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने इसराइल के सीरियल उद्यमी उरी लेवाइन को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ए टेक महिंद्रा, बी इन्फोसिस, सी विप्रो, डी टाटा। आपको आंसर बता दें, आंसर बी इन्फोसिस। आपको याद रखना है, निम्न में से किसने इसराइल के एक सीरियल उद्यमी उरी लेवाइन को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इन्फोसिस ने। किसने किया है? इन्फोसिस ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने IBM के साथ मिलकर नवाचार केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? ए विप्रो, बी जियो, सी फेसबुक, डी टेक महिंद्रा। आपको आंसर बता दें, आंसर डी टेक महिंद्रा। आपको याद रखना है, निम्न में से किसने IBM के साथ मिलकर नवाचार केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? टेक महिंद्रा ने। किसने किया है? टेक महिंद्रा ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वदा सीनियर्स पहल के तहत हेल्पलाइन शुरू की है? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख, डी हरियाणा। आपको आंसर बता दें, आंसर बी जम्मू कश्मीर। आपको याद रखना है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वदा सीनियर्स पहल के तहत हेल्पलाइन शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। किसने किया है? जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए 885 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ए IMF, बी RBI, सी विश्व बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर सी विश्व बैंक। आपको याद रखना है, निम्न में से किसने हिमाचल प्रदेश सड़क परिवर्तन परियोजना के तहत 885 करोड़ मंजूर किए हैं? विश्व बैंक ने। किसने किए हैं? विश्व बैंक ने। आगे क्वेश्चन नंबर 19, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने किस राज्य में COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी असम, डी सिक्किम। आपको आंसर बता दें, आंसर ए मिजोरम। आपको याद रखना है, सूचना और
संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने किस राज्य में एम कोविड 19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मिजोरम में। कहाँ किया है? मिजोरम में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। 2022 में विश्व खेल कहाँ आयोजित होंगे? ए पेरिस, बी दुबई, सी बरिंगम, डी टोक्यो। आपको आंसर बता दें, आंसर सी बरिंगम। आपको याद रखना 2022 में विश्व खेल कहाँ आयोजित होंगे? बरिंगम में। कहाँ होंगे? बरिंगम में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 23 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 24 अप्रैल। आपको याद रखना शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। किसने भारत के गांव के विकास की गति को तेज करने के लिए वेब पोर्टल ई ग्राम स्वराज और स्वामी योजना का शुभारंभ किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी निर्मला सीतारमण, डी अमित शाह। आपको आंसर बता दें, आंसर ए नरेंद्र मोदी। आपको याद रखना है किसने भारत के गांव के विकास की गति को तेज करने के लिए वेब पोर्टल ई ग्राम स्वराज और स्वामी योजना का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।